एक फिल्म में अच्छी स्टोरी एग्जीक्यूशन, इमोशंस और लव एंगल हो तो पब्लिक खुद ही उसे ब्लॉकबस्टर बना देती है, और ये फिल्म में ये सब है। और बहुत समय बाद बॉलीवुड की तरफ से एक अच्छी इमोशंस और लव स्टोरी एग्जीक्यूशन वाली फिल्म आई है। सत्य प्रेम की कथा थिएटर्स में आ चुकी है, तो कैसी है चलिए बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टोरी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट की गई है। कहानी एक लोंडे की है, कुआरा बेरोजगार है और उसको चाहिए एक लड़की, और सत्तू जो कि कार्तिक है उसको आती है ये लड़की पसंद, और लड़की के माँ बाप को भी ये लड़का पसंद आता है। लेकिन यही तो ट्विस्ट है मूवी में, लड़की सुसाइड का ट्राई करती है और घर वालों के दबाव में शादी करती है। वो एक्सेप्ट तो करती है लेकिन अंदर ही अंदर वो एक्सेप्ट नहीं करती। आप पूछेंगे क्या हुआ, तो भाई आप जाके मूवी देखो, अगर मैंने सब स्पॉयलर्स यहीं पे बता दिए तो मूवी में क्या देखोगे। बात तो सही है। और ये मूवी से थोड़ी थोड़ी दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी की वाइब आएगी। बस फर्क इतना है कि DDLJ में बापूजी प्रॉब्लम थे और ये मूवी सत्य प्रेम की कथा में लड़की खुद प्रॉब्लम है। बाकी ट्रेलर एडिट करने वाले की तारीफ करनी पड़ेगी, मूवी का जो मेन प्लॉट है वो ट्रेलर में नहीं दिखाया। मूवी की शुरुआत भी थोड़ी फार कॉमेडी से होती है, बाद में स्टोरी एग्जीक्यूशन, इमोशंस, लव, ह्यूमर, एक अच्छा मैसेज और डायलॉग्स, ये सब एकदम कड़क, मजा आ गया। मजा आया। और जब जब कार्तिक और कार्या की जोड़ी आई है उन्होंने तो अपना बेस्ट ही दिया है, दोनों ने एक्टिंग कमाल की है। और गाने तो कई सारे हैं लेकिन कमाल के हैं, जब जब गाना आता है मजा आ जाता है। एकदम रंगीत माहौल और गुजराती भाषा में भी आपको सुनने में बिल्कुल अटपटा नहीं लगेगा। और एक बात, कार्तिक आर्यन जब जब ये इमोशंस, रोमांटिक, ह्यूमर के रोल में आते हैं तो छा जाता है बंदा, और ये ही रोल कार्तिक को जचता है मेरे हिसाब से तो। बाकी ये मूवी में मेरा फेवरेट सॉन्ग आज के बाद और उसके बाद नसीब से, और आप बोलोगे भाई पसूरे के बारे में तो नहीं बोला आपने। वो सॉन्ग नहीं भी होता ना तो चल जाता, पसूरी को रिक्रिएट करके मूवी में लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और एक बात, मेरे हिसाब से क्लाइमैक्स और अच्छा हो सकता था। बाकी मेरी तरफ से ये मूवी की 3.5 स्टार्स रेटिंग है। ये मूवी मस्ट वॉच है और इसे आप फैमिली के साथ देख सकते हो अगर आपको टू लिप्स किसिंग से ऑकवर्ड ना लगे तो। बाकी आप बताओ आपको कैसी लगी, और मूवी देखो नहीं देखी है तो, और कमेंट्स करो। और भाई आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाओ। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए रिव्यू वीडियो के साथ। बाकी जय हिंद, जय भारत, बाय।